डेटा जो है उसका मैनिंग केबल के थ्रू जा रहा होता है, और बाकी जितना परसेंटेज है मतलब 10% कुछ है वो वायरलेस कनेक्टिविटी के थ्रू जा रहा होता है। हर सेकंड के अंदर मतलब हर 60 सेकंड के अंदर 1820 टीबी का डेटा अपडेट हो रहा है, और अब जो अपडेट हो रहा है वो 60% से, ये तो बल्कि स्लाइड पुरानी हो गई, तो अब 75% जो है मोबाइल डिवाइसेस से अपडेट हो रहा है। आपका जो लैपटॉप है और डेस्कटॉप मशीन वगैरह है ये सिर्फ ऐसे लोगों के काम में जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास है, मतलब ज़्यादातर जो है लेमैन के पास आपको मोबाइल से डेटा जा रहा है। लेकिन अब ये डेटा की वजह से डेटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ती जा रही है, डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, तो डेटा सेंटर की जॉब्स भी बढ़ती जा रही हैं। जो CCDE मतलब CCNA डेटा सेंटर में रहेगा उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। अब डेटा सेंटर की बात करें तो डेटा सेंटर के अंदर जो कंजम्पशन है सबसे ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी की, उसको कूलिंग के लिए है, उसको ठंडा रखने के लिए प्रोसेसर्स वगैरह को, क्योंकि अगर एक 15 मेगावाट का डेटा सेंटर की बात करें तो उसको इतना पानी रिक्वायर्ड होता है जितना कि 3 हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए यूज हो पानी, या 100 अपार्टमेंट के दरख्तों के लिए ज़रूरत हो। तो इसके लिए या तो उस डेटा सेंटर जितने भी अब बढ़ते जाएंगे, लास्ट बात है जब 1820 की जीगा तो उनको अंटार्कटिका के अंदर शिफ्ट करा जाएगा, या फिर रीफ के अंदर पानी के अंदर अंडर सी शिफ्ट करा जाएगा, जहाँ पे तकरीबन आपकी 30-40% इलेक्ट्रिसिटी वर्क की बचत हो जाएगी। इंटरनेट कौन करता है? इंटरनेट हमारी AT&T, स्प्रिंट, पोस्ट और लेवल 3 की वो ISPs करती हैं, टीयर 1 की ISP जिन्होंने केबलिंग करी थी। इसके बाद टीयर 2 की ISPs आती हैं जो लोकल मतलब जैसे PTCL है वो टीयर 2 की ISP है, और फिर टीयर 3 की ISPs आती हैं जो लोकल ISPs होती हैं, ये जैस, यूफोन, टेलीनॉर ये होती हैं। अब यहाँ पे जो टर्मिनेशन टीयर 2 से टीयर 3 पे आता है तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, यहाँ पे 3G भी हो जाएगा, 4G भी हो जाएगा और 5G भी हो जाएगा, लेकिन जो बैकबोन है वो हमारी ऑप्टिकल फाइबर पे ही रहेगी। टीयर उसका लेवल है कि मतलब जो AT&T के ISPs हैं वो सबसे बड़ी ISPs हैं, मतलब वो टेलीकॉम की कंपनीज हैं जिन्होंने केबलिंग कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट बिछाई है। फिर कॉन्टिनेंट के जब अंदर केबल आ जाती है तो फिर वो जिम्मेदारी होती है हमारी लोकल ISPs की, वो लोकल ISPs आप PTCL को कह सकते हो, फिर PTCL आगे देती है, टेलीनॉर को देगी, जैस को देगी, ऐसा नहीं कि जैस अपनी सप्लाई के बिल से डायरेक्ट दे रहा हो। बैंड टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी आती है जिसके अंदर हमारे T1 और T1 लाइन आती है, और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का मतलब ये है कि जैसे एक लाइन है वो डेडिकेटेड आपके लिए कर दी जाती है, समझे जैसे कि आपको ठेके पे एक लाइन दे दी गई है कि वो 2 MB की लाइन है लेकिन वो आपके लिए महसूस कर दी गई है, वो किसी और को नहीं मिलेगी। जबकि आप अगर 4G का कनेक्शन अपना चेक करते हैं जैस का तो उसमें 35 MBPS आ रहा होता है, लेकिन अगर इसकी MBPS की बात करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि वो $15,000 साल के लगेंगे 2 MB के लिए के। तो जैसे कि एम्बुलेंस के लिए फास्ट रोड मखसूस कर लिया कि बाहर की कंट्रीज में, इसी तरह आपके जो पर्टिकुलर डेटा होता है उसके लिए भी फास्ट रोड मखसूस कर दी जाती है। इसका बेनिफिट लोग इस तरीके से उठाते हैं कि ये सिर्फ मतलब एक कंट्री के अंदर की बात नहीं हो रही, एक कंट्री से बाहर की बात भी हो रही है। अब जैसे कि आप अगर बात करें कि वॉइस ओवर IP जो है
उसके अंदर ये कैसे बेनिफिट करते हैं, वो उसके अंदर ऐसे बेनिफिट करते हैं कि यहाँ पे कराची ऑफिस है और यहाँ उनका लंदन का ऑफिस है, अगर वो डायरेक्ट PTCL से कॉल करेंगे तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, अगर वो व्हाट्सएप से करेंगे तो सिक्योरिटी का इशू आ जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप को भी पता चल जाएगा कि क्या बात हो रही है। फिर अगर वो अपनी लैंडलाइन को यूज़ करते हैं तो वो जिस जो लाइन उन्होंने परचेज करी है वो वॉइस के वॉइस ओवर आईपी के फ़ोन से यहाँ से कॉल करेगा, डेटा की सूरत में कॉल जाएगी, फिर यहाँ पे लोकल उसके एक्सचेंज से कनेक्ट करेगा और फिर इस एक्सचेंज के थ्रू वो ऑफिस में भी बात कर सकता है और वो कॉल को आगे ट्रांसफ़र भी कर सकता है, मतलब कि अगर उसको किसी लोकल नंबर पे कॉल करनी है तो लोकल नंबर पे यहाँ से कॉल जा सकती है। तो ये बेनिफिट होगा उसका, एक अपना डेडिकेटेड लिंक जो यहाँ से उन्होंने लंदन ब्रांच के लिए लिया हुआ है। वॉइस ओवर आई पी वायरलेस और वायरलेस वॉइस ओवर आई पी और ये आपका नेटवर्किंग, ये आपको तीनों ही करने पड़ेंगे सही, मतलब अभी तो आप CCNA वाले हैं, लेकिन CCNA मतलब ये नहीं है, अब जैसे आपको आगे फील्ड में जाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वायरलेस का भी आपको आना चाहिए और वॉइस ओवर आई पी का भी आपको आना चाहिए। अगर आप नेटवर्क की साइड पे हैं, सर्वर साइड पे हैं, तो फिर तो काफ़ी चीज़ें आनी चाहिए, और बास नेटवर्क वाले ऐसे भी होते हैं जिनको सर्वर की मतलब सर्वर्स को भी देखना पड़ेगा, एक्सचेंज भी आना चाहिए फिर एक्टिव डायरेक्टरी भी आनी चाहिए उनको। हब एंड स्पोक टोपोलॉजी होती है, हब एंड स्पोक टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये डॉ का मेन डेटा सेंटर है, जो डॉ का ऊर्जा कैंपस है जो महकमा मौसमियात के करीब है, और ये इसका कलेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे 1800 सीरीज का राउटर लगा हुआ है, छोटा सा राउटर होता है सिस्को का, ये पूरी 1800 सीरीज की ABC साइट्स पे लगा हुआ है, वो बंदा वहाँ जाते हैं ब्लड का सैंपल देने के लिए, वो वहीं से टाइप करेगा आपका, तो जो डेटा बेस का एक्सेस ले रहा है वो आपका हब एंड स्पोक टोपोलॉजी का ले रहा है, कि आपके डेटा सेंटर के अंदर डायरेक्ट एंटर हुआ है बंदा और उसके अंदर आपका डेटा एंटर हो गया है, वो सिर्फ उसका कलेक्शन जो ब्लड का दिया है वो सेंड कर देगा उसको। इसके अंदर ड्यूल होम भी आता है, तो ड्यूल होम के अंदर हमारा दो डेटा सेंटर होते हैं, और यहाँ पे तो लोकली जो काम कर रहे होते हैं वो डेटा सेंटर करीब ही करीब होते हैं, वरना जैसे अगर बाहर की कंट्री में जो मल्टी नेशनल कंट्री है हमारा मल्टी नेशनल वो है कंपनी है, तो वो फिर डेटा सेंटर को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जगह नहीं रखते, वो बोलते हैं कि वो इस हद तक उसको फोकस रखते हैं कि नेचुरल डिजास्टर में भी खराब ना हो डेटा आपका, मतलब पूरे रीजन से बाहर होता है, मतलब अगर एक HBL का डेटा सेंटर यहाँ पे होगा तो HBL की 1600 ब्रांचेज हैं सही, अच्छा 1600 ब्रांचेज कौन से प्रोटोकॉल यूज़ कर रही होंगी, OSPF यूज़ कर रही होंगी सही, क्योंकि OSPF अनलिमिटेड ऑप्स हमें प्रोवाइड करता है सही, यहाँ से यहाँ जो कनेक्ट कर रहा है बीच में क्या चीज़ चल रही होगी, OSPF चल रहा होगा। तो अगर किसी की मैकडॉनल्ड की या KFC की ब्रांच है तो KFC वाला ये थोड़ी करेगा कि उसका जो रेस्टोरेंट की मशीन होगी उसके साथ आप जाकर देखें, कभी बर्गर वगैरह जो लेने आते हैं तो वहाँ एक राउटर के साथ कनेक्ट होता है डायरेक्ट, तो जो राउटर होता है उसका डायरेक्ट उनकी जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ से उसके डेटाबेस से कनेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता कि रात को USB में जाकर बताएंगे कि इतने बर्गर के देते, मतलब उनका पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। जो छोटी साइट्स होती हैं लेकिन जो फास्ट मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन जिनके पास चली होती है वो ARPC चला रहे होते हैं, RIP सिर्फ सीखने के लिए होता है, सारा काम OSPF से होता है क्या जी, ज़्यादा सिक्योर नहीं फास्ट पे बहुत ज़्यादा
दूसरे हमारे पास नेटवर्क के नेम होते हैं, स्मॉल ऑफिस कहलाता है, कैंपस नेटवर्क कहलाता है। दिस बिजनेस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ वन लाइन एट वन लोकेशन दैट कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू अ ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी। अ स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस वन लोकेशन एंड मल्टीपल लाइन यूज स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। फिर ब्रांच ऑफिसेज होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ब्रांच ऑफिस के अंदर पूरी पूरी साइट्स हैं। मतलब साइट्स का मतलब ये है कि अगर ये सलानी का दफ्तर है और सलानी का फैसलाबाद का दफ्तर है, तो सलानी का ओनर कहाँ पे काम करते हैं, यहीं पे रहता है, कराची में रहता है, और वो अपने अकाउंट्स और सारी चीज़ों को कहाँ पे फिर करेंगे, बोलेंगे भाई कराची में ही होना चाहिए, मतलब कि फैसलाबाद में नहीं होना चाहिए। तो फैसलाबाद से कराची जो होगा, वो जो यूज़र्स यहाँ पे आएंगे, वो आपके डेडिकेटेड लिंक से आएंगे और वो यहाँ पे आकर कनेक्ट होंगे। जो यहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो भी यहीं पे बैठा होगा, आपके फैसलाबाद की साइट्स पे नहीं होगा वो। तो ब्रांच नेटवर्क्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स होते हैं। ये वैन की नेटवर्क नेम्स थे, तो नेटवर्क नेम्स से वैसे इतना ज़्यादा मतलब कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्मॉल ऑफिस है, कैंपस नेटवर्क है, ब्रांच नेटवर्क है और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। इसके बाद हमारे पास वैन टेक्नोलॉजीज आती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क भी वैसा ही नेटवर्क होता है, लेकिन वो स्मॉल छोटे छोटे, जैसे कि आपका छोटी साइट्स है ना, उनको डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कंसिडर कर लो। लेकिन अगर कोई ऐसी साइट है कि जो फैसलाबाद में 500 एम्प्लॉयज रखे हुए हैं और हर एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी दी गई है कि वो अपनी अटेंडेंस और अपनी वो जो जितनी छुट्टियां करनी है और जो केस से लगे वो सारी नेट पे चेक करनी है, तो नेट पे चेक करने के लिए बशीर फारूकी साहब यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ सारे अकाउंट्स के डिपार्टमेंट भी हैं, तो डेटा सेंटर यहाँ पे होगा। वहाँ का बंदा जो अपने कंप्यूटर पर आकर लॉगिन करेगा, तो वो कराची के डेटा सेंटर को लॉगिन कर रहा होगा, सही है। तो ये साइट टू साइट ब्रांच कराएगी, सही है। इसमें हमें बहुत सारी बीच में टेक्नोलॉजी आती है, हो सकता है वीपीएन के थ्रू कर रहा हो या डेडिकेटेड लाइन के थ्रू कर रहा हो। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की बात करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क वो जो मैंने अभी मिसाल दी केएफसी की, केएफसी के छोटे छोटे साइट्स हैं, हर मॉल के अंदर एक साइट बनी है, तो मेन एक केएफसी का हेड ऑफिस होगा, वहाँ पर डेटा सेंटर रखा होगा। जितनी भी इन्वेंट्री बन रही होगी, डेटा सेंटर भी मेन जगह पर बन रही होगी। ये सिंपल नाम ही है मतलब समझने के लिए। वैन टर्मिनोलॉजी के अंदर हमारे पास कस्टमर प्रमिसेस इक्विपमेंट आता है, ओन्ड बाय बिजनेस और लीज्ड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। वो ही जैसे आपको पीटीसीएल एक एक्सेस पॉइंट दे देता है घर पर रखने के लिए, तो आपका जो कस्टमर प्रमिसेस इक्विपमेंट होता है, सीपीई जो कहलाता है, वो इक्विपमेंट होता है जो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आपको मिलता है। जैसे कि आपकी यूएसबी, जॉन की यूएसबी, इसके बाद हमारे पास दूसरी टर्मिनोलॉजी है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, डीसीई।
provide an interface to connect subscriber to a communication link on a WAN cloud. DC जो है वो डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कराता है और यही क्लॉक जनरेट करता है। आप जब वैन में वैन की लैब कर रहे थे तो उधर आपने देखा होगा कि एक जगह छोटी सी क्लॉक बनी आ जाती थी और दूसरे एंड पे जब केबल लगाते थे तो वहाँ क्लॉक नहीं बनती थी। तो ये क्लॉक बनती थी, ये क्लॉक ISP की क्लॉक होती थी, ISP की तरफ से मिलती थी। तो ये DC की साइड जो होती है वो क्लॉक रिसीव कर रही होती है। इसके बाद डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट होता है, DTE कहलाता है। ये कनेक्ट होता है DC के जरिए लोकल लूप के साथ। DTE जो है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, जैसे कि राउटर है आपका वो होता है और इधर ही आपके PC कनेक्ट हो जाते हैं या एंड डिवाइसेस। अगर यहाँ पे DTE वायरलेस है तो वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं और अगर केबल है तो केबल डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं। अगर हम अभी पीछे वाली स्लाइड्स के ऊपर पढ़ते हैं पहले। अभी हमने ये देख लिया DC क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट होता है जिससे एंड डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। फिर इसके बाद डीमार्केशन पॉइंट होता है। डीमार्केशन पॉइंट वो होता है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट कहलाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ तक ISP की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और जहाँ के बाद आप जो नॉर्मल यूजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर इसके बाद आता है लोकल लूप। लोकल लूप वो कनेक्शन होता है जो आपका सेंट्रल ऑफिस के साथ जाकर कनेक्ट होता है। जैसे कि ये जो आपका मेन ऑफिस होता है जहाँ से आपको इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल होती है, इसको लोकल लूप भी कहते हैं और लास्ट माइल भी कहते हैं। इसके बाद आपके पास सेंट्रल ऑफिस आता है जो आपका लोकल सर्विस प्रोवाइडर फैसिलिटी और बिल्डिंग रेट कनेक्ट द CP टू द प्रोवाइडेड नेटवर्क। टूल नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो के सर्विस प्रोवाइडर ने अपना खुद बिछाया हुआ हो इंटरनेट के अंदर। जो टूल नेटवर्क है उसको आपको अभी थोड़ा समझना पड़ेगा, इसी पे सारी डिस्कशन होगी हमारी, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट थोड़ा रहता है कि इंटरनेट से टूल नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है। अब बताएं इससे कोई चीज पूछनी हो तो इस डायग्राम में पूछ लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। VPN पे जो है ना, VPN के अंदर आपकी पूरी क्लासेज है, सही है? और शायद हो सकता है इसके एंड में चल रहे हो, लेकिन VPN तक हम क्लास में तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन शॉर्ट बता दूं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या था, इंटरनेट जो बना वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में बना, उसमें इस तरह हॉप्स बनाए उन्होंने। उन्होंने बोला कि एक साइड से बी साइड पे कम्युनिकेशन करनी है। अगर इन्होंने बोला कि भाई एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन करनी है और इस तरीके से करनी है कि अगर कोई भी हमारी साइट पे बम मारे तो क्या हो, ख़त्म हो जाए साइट, तो फिर दूसरी तरफ से ऑटोमेटिक कोई ऐसी राउटिंग प्रोटोकॉल होनी चाहिए जैसे पोटैटो राउटिंग की पहले जो पहली राउटिंग प्रोटोकॉल, तो उसके जरिए निकलकर
चला जाए, डेटा दूसरी साइड को आ जाए, ये क्या चीज थी? ये फिजिकल सिक्योरिटी थी डेटा की, सही? लेकिन डेटा की सिक्योरिटी नहीं हुई इसमें, मतलब ये आपको कनेक्शन तो वो हो गया, सेफ हो गया कि एक रिडंडेंसी क्रिएट हो गई, लेकिन अगर फर्स्ट करो ये बीच के अंदर से कोई तार के अंदर इधर से कोई कुंडा मारे, जैसे कि अगर आपकी केबल की वायर जा रही होती है उसमें कोई कनेक्शन मार दे, तो आराम से उसको पता चल जाएगा कि उसमें क्या कौन कौन से चैनल जा रहे हैं, तो आपको अपना बीच में लगाना पड़ेगा टीवी। तो उसके अंदर हमारा जो वीपीएन होता है बेसिकली वो ऐसे टनल्स और ऐसे पाइप्स बना देता है बीच में, जिसके जरिए अगर डेटा जा रहा है तो वो इंक्रिप्टेड होते हैं, वो बंदे को नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर से कौन सा डेटा जा रहा है अगर कोई स्निफ कर भी लेगा। लेकिन मैंने शायद एक दो क्लासेस में आपको डेटा को ब्रेक करके दिखाया था, जो मेरे स्टूडेंट्स उनको पता है, MD5 ब्रेक करके दिखाया था पासवर्ड, तो वो MD5 ब्रेक हो जाता है, तो उस तरह MD5 के बाद SHA-1, SHA-2 और SHA-3 भी ब्रेक होते हैं, सही? ये लोकेशन कैसे चेंज होती है US में, US का भी पेन, UK का भी पेन? यार वो तो दो VPN होते हैं, देखो यहाँ नहीं, ऐसी कहानी नहीं है, VPN जो है ना वो अच्छा है, ये VPN का लॉग है, ये स्नैपशॉट है VPN वाले का। आप हॉटस्पॉट शील्ड यूज करते हैं, सही है? ओपरा का VPN यूज करते हैं, मेरी क्लास वालों को तो मैंने ओपरा का VPN चलाने का बताया था, सही है? जो एडवांस सेटिंग में जाकर करते हैं, आपने एक VPN खोला, फिर उसके बाद एक VPN के जरिए बाद एक VPN और खोल दिया, मतलब VPN के अंदर VPN खोल लो, इस तरह आप VPN के अंदर खोलते खोलते 15 VPN पे चले गए, मतलब आपने 15 पर्दे डाल दिए आपके और उसके सामने, सही? इंटरनेट पे जिस जो भी जगह आप जो भी काम करने जा रहे हो, सही? अब वापस आ रहा है, तो एक सॉफ्टवेयर और भी आता है जिसको आप सर्च कर लेना, प्रॉक्सी क्रैकर कराता है, वहाँ से प्रॉक्सी क्रैकर ऑन हो जाता है, अगर उसको किसी को सॉफ्टवेयर वाले को शक हो जाए ना कि अब कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि टॉर ब्राउजर के अंदर होती है, टॉर ब्राउजर जो होता है इसका फेसबुक का भी डॉट अनियन का एक्सटेंशन है, और है इसकी जो वेबसाइट होती है डॉट अनियन की एक्सटेंशन की होती है, और ये टॉर ब्राउजर जो है बेसिकली ये नेवी का ब्राउजर था, मतलब नेवी सील्स के लिए बनाया गया था, और ये भी अपना एक VPN का नेटवर्क बनाता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जितने भी VPN है ना वो बनाए इसलिए जाते हैं ताकि जो नेगेटिव माइंडेड लोग हो ना उनको ट्रैप करा जा सके, ये समझ लो, उनको यूज करते हुए बड़ा एहतियात करना पड़ता है, मतलब ऐसे आप VPN यूज करके कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते वरना उसमें पकड़ हो जाती है। दो लोग थे, एक बंदा था वो शादी के लिए गया, तो शादी के वो सुस्तर से उनकी बात कर रहा था, इतनी देर में छापा पड़ गया, पुलिस वाला भी आ गया और एक CID वाला भी आ गया, उसने बोला कि ना यार वो जो आपके पास प्लेट है ना वो दे दें, जो पैसे पैसों के छापने वाली प्लेट है, नहीं मतलब स्टोरी ये थी पूरी। वो इश्तिहार जो आया था वो अखबार में इश्तिहार आया था कि ब्रिटिश नेशनल लड़की के लिए रिश्ते की ज़रूरत है, सही? उसने बोला मैं सिंगापुर में, वो जो ससुराल में उनके था बोल रहे हैं कि मैं सिंगापुर में काम करता था, तो वो जो है एक बंदा प्लेटें लेकर आया था, डायरेक्टर था यहाँ पे, तो उससे प्लेटें मिल गई मुझे, क्योंकि हमारे पास इंक नहीं है, तो इंक नहीं है तो इसलिए अब सब पैसे मिलाएंगे। उन्होंने बोला कि हाँ अब हम ऐसा करो कि पैसे मिलाते हैं और उससे जो है ना इंक लेते हैं, और उसने उस वक्त उसको असली नोट दिखाया जो 500 रुपये का, तो वो रिश्ता लेने के बदले वो उससे इंक लेने के चक्कर में पड़ गया, क्योंकि लालच में तो वो पहले आया था,
वो लालच में था तो यही तो वहाँ गया था वो, तो इस तरह वो जो इंक लेने के चक्कर में गया ना उसको 5 लाख का उन्होंने छुपने लगा दिया। तो खैर कहने का मकसद ये है कि भाई ये VPN जो होता है ना, ये जो लॉक शीट में दिखा रहा हूँ, ये VPN की अपनी लॉक शीट होती है। VPN ट्रैक कर रहे होते हैं आपको कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो। जैसे मैंने भी इनकॉग्निटो मोड में दिखाया ना कि ISP इनकॉग्निटो मोड के अंदर भी आपको ISP ट्रैक कर रही है। आप जब उसके डिलीवर में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या लिखा हुआ, कोई पढ़ता नहीं क्या उनके पास राइट्स है नहीं। खैर ये VPN का सारा टॉपिक तो था हमारे पास, लेकिन ये हम पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं। टॉर का सर्वर बनता कैसे है? टॉर का सर्वर ऐसा बनता है कि टॉर वेबसाइट पे जाओगे, उसका जो ब्राउजर है वो सर्वर से जो कनेक्ट होगा, आपका जो अपना PC है आप उसको एज अ सर्वर मशीन बना दोगे। मतलब क्लाइंट तो है आपके पास, लेकिन आप अपने सिस्टम को भी टॉर का होस्टिंग सर्वर बना सकते हो। बहुत सिंपल है, YouTube पे उसकी बहुत वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लो उसमें जाकर। तो इसी तरीके से लोगों ने प्राइवेट बना लिया, लेकिन टॉर जो है बेसिकली वो खुद ही आपको मॉनिटर कर रहा होता है कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ जा रहा है, वो सारी नोड्स की इंफॉर्मेशन रख रहा होता है अपने पास। जब वो एंड नोड से एक्सिट होता है, जब भी उसको रख रहा होता है। इसके अंदर जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि फिर $5 की होस्टिंग परचेज करते हैं। $5 की होस्टिंग परचेज करने पे वो मुख्तलिफ जगह पे अपनी सर्वर्स बनाते हैं और फिर उस अपने सर्वर से डेटा को ट्रांसफर करवाते हैं। वो एक थोड़ा सेफ तरीका है, लेकिन बाकी जो टॉर वाला तरीका है या टॉर की तरह 5 और भी ब्राउजर हैं। आप अगर डॉट अनियन की तरह के सेम ब्राउजर गूगल पे लिखोगे तो 5 ब्राउजर और भी आएंगे, लेकिन वो 5 के 5 नेटवर्क जो है ना कॉम्प्रोमाइज नेटवर्क्स हैं। वर्चुअल मशीन तो फिर लोकल होगी ना, ये तो बंदा कोई काम करने वाली के लिए यूज़ कर रहा होता है। वो वर्चुअल मशीन को लोकल ही बना रहा होगा ना। टॉर की जो होस्टिंग मशीन की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं वो इस तरह नहीं होगा भाई। वो जैसे आपका जो सर्वर है ना, वो सर्वर मशीन के अंदर स्टॉल हो जाएगा। अब चाहे वो आप VMware 1 पे करें, मतलब Hypervisor 1 पे करें या Hypervisor 2 पे करें, लेकिन वो एक्चुअल आपके सिस्टम पे स्टॉल हो चुका होगा। टॉर ब्राउजर का मतलब होस्टिंग सर्वर, अगर किसी ने Firebase इंस्टॉल करा हो तो उसको पता होगा या आइडिया होगा, या किसी ने WordPress पे काम करता होगा तो सर्वर क्रिएट करते हैं लोग। हाँ एक्चुअल मशीन पे होगा, एक्चुअल मशीन का हार्डवेयर यूज हो रहा होगा उसका। ये टॉर ब्राउजर की बात नहीं कर रहा, टॉर ब्राउजर से ब्राउज तो कर लेता है, मैं टॉर के होस्टिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक डॉट अनियन का एक्सटेंशन अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको होस्टिंग के लिए उसका सर्वर अपने PC पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आपका एक डॉट अनियन का होस्टिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा GoDaddy को जाकर डॉट अनियन का परचेज करोगे। वो तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ों के लिए चला जाता है। उसको पता ही नहीं था कि बस होना है कि टॉर को खोला था, टॉर ब्राउजर को, तो पता नहीं क्या खोला था, क्या एक्सेस कर लिया था। ये देखें, फेसबुक की अपनी भी साइट है, डॉट अनियन की। ये अलग, सब के अपने अपने अनियन की अलग साइट है। हाँ तो अनियन की परचेज नहीं कर सकते ना, डॉट नेट की तरह, ये तो रहा हूँ।
टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर रहे थे हमने, टर्मिनोलॉजी में सीपी को समझा, कस्टमर सर्विसेज इक्विपमेंट, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, फिडेलिटी डेटा ट्रांसफर इक्विपमेंट, फिर हमने देखा डीमार्केशन पॉइंट जो आईएसपी आपको प्रोवाइड करती है, जहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है, फिर फॉल्ट आएगा तो वो पूछेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट है डीमार्केशन पॉइंट कहाँ पे। लोकल लूप की बात करें, लोकल लूप जो है वो लूप कराता है जो सेंट्रल ऑफिस से आपके पास कस्टमर का मैसेज इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट होता है, सेंट्रल ऑफिस लूप कराता है जहाँ से आपका आईएसपी आपको नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए, चाहे वो आपकी लोकल आईएसपी हो, टियर वन की आईएसपी हो या टियर टू की आईएसपी हो। टूल नेटवर्क्स जो है वो प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं, वो प्राइवेट नेटवर्क्स ऐसे होते हैं कि एक हम तो ये है कि फैसलाबाद से यहाँ तक डेडिकेटेड लाइन बिछा दी है, आप खुद ही ऑप्टिकल फाइबर बिछा दें। दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे केबल वालों के अंदर देखें कि एक बंदा केबल किसी एरिया में चलाता है, सही है, तो वो बोलता है यार ये वाला सारा एरिया इसका सारा नेटवर्क और सारा हार्डवेयर मेरा अपना है। तो इसी तरीके से टूल नेटवर्क भी होते हैं सर्विस प्रोवाइडर के, तो कराची से इस्लामाबाद तक उस बंदे ने अपनी इन्वेस्टमेंट करके डिवाइसेस डाल दिए अंदर, अब वो कोई भी टेक्नोलॉजी चला रहा हो, चाहे फ्रेम रिले चला रहा हो, चाहे वो एमटीएनएल चला रहा हो या कोई और टेक्नोलॉजी चला रहा हो, वो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, सही। तो वो उसका अपना टूल नेटवर्क होगा और टूल नेटवर्क के आपस में भी वो होता है कि मतलब आपस में भी उनका मुआहदा होता है कि एक बंदे का नेटवर्क है, दूसरे बंदे का नेटवर्क है, दूसरे को पता है कि इसका कनेक्शन वहाँ तक जा रहा है तो मुझे अपना कनेक्शन नहीं बिछाना, बल्कि मैं इन दो बंदों से कनेक्शन लेकर आगे से अपना कनेक्शन घुमा देता हूँ। ये हमारे पास डीसी डिवाइस होती है, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जिसे सीएसयू डीएसयू कहते हैं, चैनल सर्विस यूनिट और डेटा सर्विस यूनिट। यहाँ से हमारी केबल कनेक्ट होती है, केबल के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड होते हैं, ये वाली केबल V35 केबल है जिसके ऊपर मेंशन होता है कि डीडी केबल है या डीसी केबल है, ये फिर हमारे राउटर पे